मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं आप सबके लिए आज का संपूर्ण राशिफल लेके। आज रविवार है यानी कि 24 नवंबर 2019। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि आज है जो कि रात के 12:18 तक रहेगा, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र क्या रहने वाला है? नक्षत्र रहने वाला चित्रा, जो कि दिन के 12:26 तक रहेगा, उसके बाद स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं हर रोज की तरह आज के 12 राशि का राशिफल, साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय जिसमें कि आप अपना काम कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज का अशुभ समय जिसमें कि कोई भी कार्य नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए और सफलता हाथ लग सकती है, दिशाशूल वो दिशा जिसमें कि किसी खास प्रयोजन से आज जाने से आपको बचना चाहिए, यहाँ भी नुकसान हो सकता है आपको। अगर जाते हैं दिशाशूल की तरफ, जिधर आज मान लीजिए अगर आपका पश्चिम दिशा में दिशाशूल है तो पश्चिम दिशा में किसी खास प्रयोजन से आपको जाना है तो नासिका का जो स्वर चल रहा हो नाक में ध्यान देंगे, जिधर से भी सांस ले रहे हैं हमेशा हर व्यक्ति का नाक में एक तरफ से ही वो सांस लेते हैं तो अपने आप में पता कर लेना किधर से आप सांस ले रहे हैं, वो वाला पैर आपको मुख्य द्वार से पहले निकालना है और अपनी यात्रा आरंभ करनी है, इससे दिशाशूल कटता है। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ खाद्य भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए शुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय एम पी एम के साथ, साथ ही आप बताएंगे हमें जन्म का स्थान, ताकि हम ये तीनों चीज़ें देख के आपकी कुंडली को देख पाएँ और आपको बता पाएँ कि आपकी सही राशि क्या है, ताकि आप अपना सटीक राशिफल हर रोज़ धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएँ। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा राशिफल ला पाएं। कुछ किसमें कमी रह गई है, कुछ और चाहिए या कुछ आपके काम का नहीं है तो भी बताइए। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं इससे पहले आइए जान लेते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी पे पूरा का पूरा राशिफल हमेशा निर्भर करता है, चाहे दैनिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो, संपूर्ण राशिफल हो, पूरे जिंदगी का, वो सभी ग्रहों की स्थिति पे ही निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं आज राहु मिथुन राशि में, चंद्रमा मंगल के साथ, बुध के साथ, तुला राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र गुरु शनि केतु सभी एक साथ धनु राशि में है, तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला हल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा हुआ रहेगा, पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है, परिवारजनों और सगे संबंधियों में आपस में प्रेम और सद्भाव आपका बना हुआ रहेगा, परिवारजनों और सगे संबंधियों से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा, ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी कार्यों से आपको लाभ भी होगा। आज किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आप लंबे समय से मिलना चाह रहे थे। बात करेंगे मेष राशि के व्यापार और धन की, तो आज पार्टनरशिप के माध्यम से आपको व्यापार में लाभ होता हुआ दिख रहा है, साथ ही आपके पार्टनर का सहयोग भी भरपूर आपको प्राप्त होगा। ससुराल के पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी चीज का उपहार स्वरूप मिलना हो सकता है, भूमि प्रॉपर्टी मकान के सुख में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तिगत सुख में भी वृद्धि होगी, साथ ही आपकी आय में बढ़ोतरी के योग आज बन रहे हैं और बचत भी आपकी बढ़ती हुई आज नजर आ रही है। बात करेंगे मेष राशि के विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है, मेहनत करें उसका पूरा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन की खुशियां बढ़ सकती है, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बन सकते हैं।
प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर जौ या जौ से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृष राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आज निखार आ सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन अपने व्यक्तित्व पर विशेष तौर पर ध्यान दें। आज के दिन अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखें। पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से सबसे मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको सबसे ही अच्छा संबंध बना के रखना होगा। आज घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने वाहन को नियंत्रण में चलाएं, धीरे चलाएं, क्योंकि आज आपके लड़ाई झगड़े के साथ साथ दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो उत्तम यही रहेगा कि घर से जब भी बाहर निकलें तो आज का जो शुभ खाद्य मैंने वीडियो के अंत में बताया है उसे खाकर ही निकलें, ताकि घर से बाहर आपको किसी प्रकार के दुर्घटना या लड़ाई झगड़े का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़े। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो आय की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। निवेश करने से आज बचना चाहिए आपको। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा कम रहेगा। विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ परेशानियां आ सकती है। मानसिक तनाव रह सकता है, चिंता किसी बात की बहुत ज़्यादा रह सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंध की। तो जीवन साथी से आज सामंजस्य आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी से मनमुटाव के पूरे योग बन रहे हैं। तो आपको अच्छे संबंध आज बना के रखना चाहिए। आज के दिन अगर दही खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में। आपका मन भी आज लगा रहेगा। परिवारजनों का स्नेह आप पर बना रहेगा। भगवान की कृपा भी बनेगी। सरकारी ऑफिस से संबंधित कार्य आपका सफल रहने वाला है। बात करेंगे मिथुन राशि के व्यापार और धन की। तो धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा। ऑफिस में भी सहकर्मी का सहयोग, जो भी साथ में काम करते हैं आपके, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहेगी। पढ़ाई में मन भी लगेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन गैस संबंधित समस्या रह सकती है। तो बाहर के खाने से बचें, मसालेदार खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर सेब अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपके। हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा, चाहे जहां कहीं भी जाएंगे। भविष्य के लिए कोई सकारात्मक योजना आज बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है। तो योजना बनाने के लिए कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले आज जरूर सोचें इस विषय में। बात करेंगे कर्क राशि के व्यापार और धन की। तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे मकान, भूमि, वाहन। माता के सुख में भी वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुचि बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस कार्य में आपकी रुचि लगती है ना, उस कार्य में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। थोड़ी लेट मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। आर्थिक दृष्टि से भी आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने लक्ष्य को साधने के लिए विशेष रणनीति बनाएं, इससे आपको फायदा होगा। बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन आपकी मानसिक शांति आज अस्थिर रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी से आपसी सामंजस्य बना के रखने की कोशिश करें। आज के दिन अगर ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है,
जिसके फलस्वरूप सिंह राशि वालों के करियर के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। परिवारजनों का पूरा साथ आपको मिलेगा, खास करके छोटे भाई बहनों से। ऑफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग, जो भी आपके साथ काम करते हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज के दिन आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी कैसी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। पिता का भरपूर सहयोग भी आपको आज मिल सकता है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो सिंह राशि के जातक भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन, फ्रिज, कपड़े इत्यादि, उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, उनके व्यापार में वृद्धि होगी। अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं, लंबे समय से वहां से नहीं मिल पा रहे, तो आज जरूर कोशिश करें वहां से पैसे निकालने की, आपको आज सफलता मिल सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें, उसका पूरा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। मेहनत में किसी प्रकार की कमी आज बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतीत करें, संबंध इससे आपके और भी ज़्यादा मधुर होंगे। आज के दिन अगर बादाम अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज रंग। बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ खाने के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में तथा रिश्तेदारों में आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो कन्या राशि के जातक हैं उनके बचत में वृद्धि होगी। व्यापार में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। बैंक बैलेंस और बचत आपकी बढ़ती हुई आज नजर आ रही है। आज आपके लिए वस्त्र, आभूषण और रत्न खरीदने के योग भी बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ सकता है आज, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। किसी प्रकार की चिंता आपको रह सकती है, साथ ही अनिद्रा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चिंता की चिंता ना करें, चिंता से निकलने की चिंता करें, इससे आपको लाभ होगा। बात करेंगे प्रेम संबंध की, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी से दिन भर में कुछ अनबन होने की संभावना है, तो आपसी सामंजस्य आज बना के रखें। आज के दिन अगर ऑरेंज यानी कि संतरा खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग। बात करेंगे तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आज आप अपने पराक्रम के बल पर और मेहनत के बल पर अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। यात्रा के भी योग बन रहे हैं आपके लिए। यात्रा आपकी कैसी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। व्यापार के लिए, जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहयोगी भी मिल सकते हैं। बात करेंगे तुला राशि के व्यापार और धन की, तो व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए आज अच्छे सहयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जाने आज का शुभ समय। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों को निंद्रा ज़्यादा आ सकती है, तो आपको निंद्रा से निकलकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा, सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। आज के दिन अगर दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्चीला रह सकता है, धार्मिक कार्यों पर और मांगलिक कार्यों पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। देखिए, आपको आज फिजूल खर्च से बचना चाहिए, लेकिन धार्मिक कार्य और मांगलिक कार्य पे अगर कुछ खर्च करने का मौका मिले, किन्हीं ब्राह्मण को दान देने का मौका मिले, कुछ पूजा पाठ कराना पड़े या किसी की मदद, ज़रूरतमंद की मदद करनी पड़े, तो उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल पीछे ना हटें और जरूर करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। दिन भर खुश रहेंगे, आत्मसम्मान से भी आपका दिन आज भरा हुआ रहेगा। जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापार करने वाले जातक आज थोड़ा संभल कर रहे हैं। अनावश्यक खर्च आपके हो सकते हैं, जिसका पूरा प्रभाव
आपके व्यापार पर पड़ेगा, तो फिजूल खर्च से बिल्कुल बच के रहें। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। माँ सरस्वती का स्मरण करें और मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है, लेकिन गैस संबंधित समस्या आपको रह सकती है, तो बाहर के खाने और मसालेदार खाने से या किसी और चीज़ों के खाने से, जिनके खाने से आपको ऐसा लगता है कि आपका तबीयत खराब होता है, उनके खाने से बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की खुशियां बढ़ेगी, विवाह के लिए प्रस्ताव आएगा अविवाहित जातकों के लिए, नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है, प्यार के इजहार करने के लिए भी अच्छा दिन है। आज के दिन नींबू अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग। बात करेंगे अब धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज का दिन आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अपने से बड़े माता पिता या बड़े भाई बहन की कृपा आपको प्राप्त होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। ऑफिस में सगे संबंधियों में और मित्रों में आपका सहयोग बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहने वाला है। बात करेंगे धनुराशि के व्यापार और धन की, तो धनुराशि वालों के लिए आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, मकान और घर के योग बन रहे हैं, खरीद की बात होने के कुछ न कुछ में जरूर सफलता मिलेगी, कोशिश करेंगे तो। व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी लाभदायक भी रहने वाला है, आपके लिए आज अच्छे सहयोग बन रहे हैं। अगर आज के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। रिश्तों में नई शुरुआत भी हो सकती है। आज के दिन अगर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लेमन कलर। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रुके हुए और फंसे हुए कार्य को बनाने वाला दिन है। जितने भी आपके ऐसे रुके हुए फंसे हुए कार्य हैं, लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे हैं, आप उनको करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे कार्यों को निश्चित तौर पर कीजिए, इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। आपकी कुंडली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ति होगी और उनके कार्य भी बनेंगे। साथ ही आज के दिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, मित्रों से, पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। उनसे लड़ाई झगड़े के योग भी बन रहे हैं, तो उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंत्रण रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज आपको हानि हो सकती है, व्यर्थ के खर्चे और फिजूल खर्चे से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खर्चीला रह सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आज का दिन आपको मानसिक परेशानी भी दे सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहने वाला है। जीवन साथी से वाद विवाद हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आने दें, विवादों से आज बचें। आज आपको अपने जीवन साथी से सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। आज की जगह ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भगवान की पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कहीं तीर्थ यात्रा का योग आपके लिए बन सकता है, बने तो निश्चित तौर पर जाइए, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अच्छे समाचार की प्राप्ति भी होगी। कहीं अगर आप मेहमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, मेहमान नवाजी का पूरा आनंद आप उठा पाएंगे। मित्रों तथा बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपको कैरियर में सफलता मिल सकती है। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, माता के स्वास्थ्य का लेकिन आपको ध्यान आज रखना चाहिए। व्यापार और धन की बात करें तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, व्यापार में लाभ होगा, बड़े भाई बहनों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी।
विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। सफलता की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन अगर बादाम अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग येलो क्रीम रंग। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मीन राशि वालों को संतान की तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें। आपके अधीनस्थ कर्मचारी और नौकरों का सहयोग आज आपको भरपूर मिलने वाला है। हिम्मत और पराक्रम आपका बना हुआ रहेगा। नौकरी और आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनमें आपको आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो आज के दिन आपके लिए काफी उन्नतिदायक रहने वाला है। आपकी उन्नति हो सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति यानी कि जो आपकी पूर्वजों की संपत्ति है उसका लाभ आपको आज मिल सकता है। आज डूबा हुआ कोई धन भी प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग तथा लाभ आपको आज मिलेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों की एकाग्रता में आज कमी आ सकती है। करियर में भी संघर्ष के योग बन रहे हैं, लेकिन संघर्ष के पश्चात सफलता के योग भी बन रहे हैं, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी आज बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज के दिन अगर चुकंदर अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग। तो मित्रों ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि कुल काल रहने वाला है दिन के 2:46 से लेकर शाम के 4:05 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है शाम के 4:05 से लेकर 5:24 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य करने से बचना चाहिए, यहाँ पे आपको असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला आज पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज बिल्कुल ना करें। अगर यात्रा करना ही पड़े तो जैसा कि मैंने वीडियो के पहले बताया आपको कैसे यात्रा करनी है वैसे करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला पान। पान खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य बढ़ेंगे। नहीं खाते हैं पान तो पॉकेट में रख लीजिए जाते टाइम। मित्रों अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों हर काम में तरक्की के लिए और घर धन धान्य से भरा पूरा रहे इसके लिए हमेशा ही जरूरी है कि घर में स्त्रियों का सम्मान हो। जो भी घर की स्त्रियां हैं उनका घर में सम्मान हो, क्योंकि जहां पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वो घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। आपको मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, आप देखिए अपने आसपास जहाँ पे भी स्त्रियों का अपमान होता है, उन्हें लड़ाई झगड़े मारपीट का सामना करना पड़ता है, चाहे कितने भी पैसे उस घर में आते हों फिर भी आप देखेंगे वो घर कभी भी सुखी नहीं रहता है। पैसे आना अलग चीज़ है, सुखी रहना अलग चीज़ है। तो अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।